चलिए दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाई फाई स्टडी चैनल पर वाई फाई स्टडीज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को देखिए जो इवेंट आठ बजे गलती से लगा होता वो कल के हिसाब से लग गया था कोई बड़ी बात नहीं है अपन लोग तो सात बजे ही स्टार्ट कराएंगे क्लास को है ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को शेयर करिएगा सारे के सारे और अपने एग्जाम का नाम लिखेगा सभी के सभी अपने एग्जाम का नाम लिखो बढ़िया से शेयर कर दो स्टार्ट कर रहे हैं अपने सेशन को है ना और दोस्तों जो भी बच्चे देख रहा है आप मुझसे मेरे टेलीग्राम पे जरूर जुड़े क्योंकि आप सभी जानते हैं जीडी में इतना बढ़िया आउटपुट आया है ठीक है अभी रिव्यूज और आने वाले हैं बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं इस बारी है ना तो एक के बाद एक आएंगे है ना तो वो सब किस वजह से टेलीग्राम पे जाओ अमन सर वाई फे स्टडी ऑफिशियल सर्च करो पूरा सर्च करना अमन सर वाई फे स्टडी ऑफिशियल कंटेंट पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई जो जो बच्चा कंटेंट पढ़ना स्टार्ट कर रहा है सो चैप्टर मेरा कंटेंट है जो मैं कहता हूँ मेरा जो भी बच्चा है वो स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है मुझसे वो पढ़े ये सारी लिस्ट है सारे चैप्टर एक ही पीडीएफ में है सो टॉपिक की एक पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल रहेगी बाकी आपके लिए नोट्स हैं सब कुछ अवेलेबल करा रखा है बस एस गोल सिलेक्ट कर लेना प्रॉपरली एस का अगर ज्वाइन करना चाहो तो वो भी ले सकते हो कोड लाइव अमन से ठीक है चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को हम चैलेंज करेंगे प्रोपरली पहले जैसे सुबह होता ना सुबह वाला काम वो आज करके देखते हैं दस क्वेश्चन पहले देखते हैं कि दस क्वेश्चन में कितना आ जाएगा ठीक है लेट स्टार्ट है ना चैलेंज आपका ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है आज आज मेरे ख्याल से दस में से छह भी ना आए लेकिन कोशिश पूरी होनी चाहिए ठीक है कोशिश पूरी होनी चाहिए क्योंकि कोशिश करोगे तो भैया तभी हो पाएगा <coughs> चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने एक सेकंड रुकेगा कहां कौन सी लिस्ट पे पहुंच गए यहां पे छोड़ा था हमने ये चल के हमने क्वेश्चन स्टार्ट करे थे चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये भी नहीं क्वेश्चन एक भी रिपीट नहीं कराएंगे भाई जितने भी हैं अब जैसे ये क्वेश्चन है अब यहां से स्टार्ट करना है मैं आपको पहले दस क्वेश्चन पूछ रहा हूं दस में से आपको एटलीस्ट स्टार्ट सही करने हैं आठ सही करने हैं जब आप आठ सही करोगे तभी हम नेक्स्ट चैलेंज पे जाएंगे ठीक है पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है चलिए तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने बताइए दस में से आठ क्वेश्चन सही कर रहा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देखो आप सभी जानते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया लेकिन जो सबसे पहला मिला था वो किसे मिला था ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या किसे मिला था सबसे पहला आंसर क्या इस क्वेश्चन का ठीक तो है तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का ये किसको मिला था भाई थोड़ा सा ना शांति छाई हुई है क्योंकि बच्चे सोच रहे हैं कि आज इवेंट आठ बजे लगा था तो आठ बजे ही क्लास होगी ऐसा कुछ नहीं है हमारी जो टाइमिंग रहती है उस टाइमिंग पे हम क्लास करवाएंगे ठीक है चलिए है ना तो आंसर है इस क्वेश्चन का विश्वनाथन आनंद इस क्वेश्चन का आंसर पहले क्वेश्चन का आंसर वैसे विश्वनाथन आनंद जी ने अभी हाल फिलहाल में एक किताब लिखी है ठीक है चेस फेडरेशन के ये वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं ठीक है और एनवायरमेंट से लेके ये जो है एम्बेसडर भी बन चुके हैं बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन का तो विश्वनाथन आनंद जी पे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं हमारे भारत के स्टार्टिंग के पांच जो चेस वर्ल्ड कप है वो इंडिया के लिए विश्वनाथन आनंद जी लाए थे ठीक है चलिए बताइए गलीलियो जो है इस एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे उनके द्वारा क्या डिस्कवर किया गया था साइंस का क्वेश्चन है साइंस का क्वेश्चन मेरे ख्याल से सीधा सीधा ये कहता है कि ऑल ऑफ दी हवा आंसर लगाओ बट पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन पूरा है ना कहीं गलत ना हो जाए साइंस का क्वेश्चन है वैसे ऑल ऑफ दी दलक फंडा सही होता है हमारा है ना चलिए तो आंसर इस क्वेश्चन का यही है इन्होंने टेलीस्कोप डिस्कवर किया जुपिटर की सैटेलाइट लाइक जुपिटर की सैटेलाइट यूरोपा ठीक है ऑप्स हो गया ये जितनी भी ज्ञान मेड हो गया ये सब जो है इनके द्वारा खोजी गई ठीक है पेंडोलियम से पेंडुलम जो है उससे संबंधित कुछ चीज़ें खोज करी ठीक है तीसरा क्वेश्चन देखिएगा बताइए क्वाड्स का केमिकल नेम क्या है वट इज द केमिकल नेम ऑफ क्वाड्स ठीक है चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का है ना जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हाँ भाई देखो एक चीज मानो माने मानते हैं सबका रिटर्न क्वालिफाई हुआ सबका हुआ है ऑलमोस्ट सबका जो मेरे स्टूडेंट थे ऑलमोस्ट सभी का कोई एक दो बचा होगा ठीक है वो भी अपनी गलतियों की वजह से बचा होगा थोड़ी बहुत हमने उन्हें कहा होगा उन्होंने माना ना होगा ठीक है बहुत सारे एग्जाम्पल है मैं एग्जाम्पल इस क्लास में लेना नहीं चाहता लेकिन मैंने इस स्टूडेंट को सो बार ही कहा था उस बच्चे ने सो बार ही मेरी बात का मजाक उतारा था और किस बात पर मैं रहा था वो भी सो ही है ठीक है पता चल गया होगा स्टूडेंट का नाम लेकिन फिर भी अभी भी कह रहा हूँ समझ जाओ पढ़ लो ठीक है अब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि अभी फिजिकल होना है फिजिकल पे भी मेहनत करनी पड़ेगी आंसर क्वार्ट्स जो है सोडियम सिलिकेट का रहता है बस आप इतना देखो क्वार्ट्स ग्लास है ठीक है क्लास ग्लास और ग्लास सिलिकेट होना आवश्यक ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा चौथा क्वेश्चन देखिए एफ का फुल फॉर्म क्या है भले ही इस क्वेश्चन का आंसर क्या है नहीं नहीं ज्ञान ने मेरी बहुत सारी बातें मानी हैं एक बात नहीं मानी तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन और भी बहुत हैं एक दो बच्चे हैं जिनको मैंने समझाया ठीक है एज अ एज अ टीचर नहीं एज अ होता ना एक भाई की तरफ कोई समझाता है कि यार हाँ ये पढ़ ले भाई हो जाएगा कुछ तब भी नहीं समझे है ना दिक्कत तो होती है अभी अब समझे हैं तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दिया भाई ठीक है चलिए आंसर क्या है एफ जो है फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन इस क्वेश्चन का आंसर है पांचवा क्वेश्चन देखिएगा नोबल पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है बताइए ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का नोबल पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइए चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर है देखो सारे के सारे हैं ऑब्वियसली ऑब्वियसली अब इसमें ऑल ऑफ दी दे रखा है तो आंसर सारे सारे के छठा क्वेश्चन उत्तराखंड की कैपिटल क्या है आसान क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर बताइए उत्तराखंड की कैपिटल क्या है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है उत्तराखंड की कैपिटल कौन सी है तो भैया आंसर है देहरादून ठीक है सातवां क्वेश्चन देखिएगा यहाँ ट्वेंटी फोर जो है कौन सी स्टेट में लोकेट है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए ट्वर्टी फॉल जो है कहाँ पे रुकड़े मेरे ख्याल से ये सरल ही सवाल है ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए और मैंने कराया हुआ है आपको मैंने स्टैटिक जीके में मैं आपके लिए ध्यान रख रहा है इस क्लास के बाद करंट अफेयर का पार्ट टू लेके आऊंगा आऊँगा हर बच्चा देख ही रहा है करंट अफेयर का पार्ट टू नहीं पार्ट थ्री टू तो मैंने कल करा दिया था कितने बजे लेके आऊंगा एट पी पे एग्जैक्टली एट पी इस क्लास के सेशन के एंड होते ही एट पी पे करंट अफेयर का पार्ट थ्री भी लेके आऊँगा पूरे पांच पार्ट कराऊंगा पाँच वीडियो देख के करंट अफेयर आप कवर कर सकते हैं हर एक एग्जाम एक का एस एस सी स्पेशल ठीक है एग्जाम कोई भी हो वैसे एम वालों को बता रहा हूँ क्योंकि उनका पास में एग्जाम आंसर मध्य प्रदेश एक और क्वेश्चन देखिए आठवा क्वेश्चन ठीक है हाँ जी जो एडवर्टीजमेंट के लिए ना एक कलर डिस्टार ट्यूब यूज किया जाता है फॉर एडवर्टीजमेंट और उसमें क्या होता है ये सवाल पूछा गया आर्गन जेनोन न्योन हिलियम बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए तो आंसर है न्योन इस क्वेश्चन का आंसर है न्योन को यूज किया जाता है ठीक है जेनोन यूज करोगे भाई कैसे पहली अफगान वॉर कौन से वर्ष में हुई थी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है पहली अफगान वॉर जो है कौन से वर्ष में हुई थी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है पहली अफगान वॉर कौन से वर्ष में 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 हुई हुई थी थी तो 1839 में थी. 1839 में एक और क्वेश्चन देखिए दसवा क्वेश्चन दस क्वेश्चन होते ही पहले अपना बताना कि कितना स्कोर किया दोबारा दूसरा टेस्ट भी मैं दस का ही पूछने वाला हूँ दूसरा टेस्ट भी मैं आपसे दस का ही पूछने वाला हूँ दस दस करके आज पढ़ेंगे आज थोड़ा ना माहौल ना पच्चीस वाला है नहीं आज ठीक है संडे है वैसे भी तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन टाइप करते हैं तो उसमें थोड़ा सा चीजों को दस दस करके करना पड़े आराम बाग आराम आराम से कर रहे हैं आज हम आराम बाग जो है कहां पे वैसे उत्तर प्रदेश में आराम से उत्तर दो आप भी ठीक है आराम से उत्तर दो बताओ दस में से आठ प्लस किसके हैं पास लिखिएगा जो दस में से आठ प्लस है सॉरी बताइए में से आठ प्लस किसके हैं जल्दी से बताइएगा आज थोड़ी मेहनत करंट अफेयर में ज़्यादा करनी पड़ेगी फ्री क्लास है करंट अफेयर की आपको फायदा ही होगा सभी को ना फ्री क्लासेस होते हैं ना तो यूटिलाइज कर लिया करो ठीक है आप में से कौन कौन अभी आठ बजे करंट अफेयर की क्लास में आएगा करंट अफेयर पूरा पढ़ो आज दो घंटे पढ़ाऊंगा करंट अफेयर आज मैं कोशिश करूंगा आज करंट अफेयर खत्म कराऊँ कौन कौन आठ बजे से लेकर दस बजे तक करंट अफेयर पढ़ सकता है पूरे दो घंटे पढ़ाऊंगा मज़ा आ जाएगा करंट अफेयर पढ़ के जिसने पिछला भी ना पढ़ा हो ना वो भी यूटिलाइज करना आज फायदा होगा फ्री क्लास रखूंगा फुल मजा आ जाएगा ठीक है दो घंटे में कवर करेंगे आज करंट अफेयर चलिए आंसर क्या होगा ये फेल हो गया बहुत सारे बच्चे अब देखते हैं एक और चैलेंज दस में से नौ का चैलेंज करते हैं आप क्या दस में से नौ का चैलेंज उम्मीद कर रहा हूं दस में से नौ सारे लेके आएंगे ठीक है दस में से नौ सारे लेके आएंगे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने बताइए ट्रॉफी किस स्पोर्ट से संबंधित है कमेंट करिए कौन से स्पोर्ट से संबंधित है गर्मी आज इतनी हो गई है, है। ब्लैक टी शर्ट बर्दाश्त नहीं हो रही इतनी गर्मी हो रही है आज चलिए आंसर के इस क्वेश्चन का जैसे ऐशोर कप है किससे संबंधित गोल्फ से संबंधित आपने सुना होगा राइडर कप भी इसी से संबंधित है ठीक है और गोल्फ कप गोल्फ से ही संबंधित है ये भी ठीक है एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दूसरा क्वेश्चन ठीक है पप्पू कार्की जो है इनका निधन हुआ हाल फिलहाल में ठीक है ये कमोनी फोक सिंगर थे ठीक है सवाल ये पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेट से थे अब ये पप्पू कार्की कौन सी स्टेट से अगर किसी ने कोई करंट अफेयर पढ़ा हो या कुछ लेटेस्ट में पढ़ा हो तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आसाम इस क्वेश्चन का आंसर है ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए भैया हिंदी हिंदी में पढ़ना इंग्लिश में थोड़ा बहुत कुछ करो एफर्ट जिस चीज़ से भागोगे ना पीछे वो आपके पीछे तसल्ली से भागेगा ध्यान रखना है जिससे तुम पीछे छुड़ा के भागते ना वो आप ही के पीछे तसल्ली से भागता है अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है जीडी के अलावा जीडी में तो जिसको हिंदी चाहिए वो हिंदी ले, ले लेता है लेकिन भाई एमटीएस में तो इंग्लिश लोगे ना करोगे इंग्लिश की नहीं कैसे करोगे पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत हर चरित्रा और कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई तो आंसर है बानवाहाटा ठीक है हर्षवर्धना के ऊपर हर्ष हर, हर चरित्रा लिखी गई थी ठीक है चौथा क्वेश्चन देखिए रनकपुर जैन टेम्पल कौन सी स्टेट में वेयर इज रनकपुर जैन टेम्पल लोकेटेड चले तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए जल्दी से बताएगा रनकपुर जैन टेम्पल कौन सी स्टेट में है तो आंसर इस क्वेश्चन का कि भैया राजस्थान में है ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए पांचवा क्वेश्चन मोलिंग नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में चलो मोलिंग नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो ये अरुणाचल प्रदेश में है आप में आप में है आप में छठा क्वेश्चन देखिएगा देखो जो गाड़ियां होती है ना वो ठंडी इलाकों में ना बर्फ ना हो जाए उसका अंदर का जो सिस्टम है इंजन का उसके लिए क्या डाला जाता है सबस्तान जो यूज किया जाता है एज एन एंटी फ्रीजर इन द रेडिएटर्स रेडिएटर्स में ऐसा क्या डाला जाता है बताइए ठंडे इलाकों में इसे ज्यादा यूज किया जाता है आंसर क्या इस क्वेश्चन का मुश्किल है क्वेश्चन थोड़ा सा चलो तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का ठंडे इलाकों में क्या डाला जाता है मिथाइल एल्कोहल प्लस वाटर ठीक है ये बच्चे क्या करते हैं इसमें सिर्फ मिथाइल एल्कोहल सीधा सीधा लगा दिया भाई पहली बात तो वाटर तो डलता है रेडिएटर में ठीक है वाटर तो डलता है रेडिएटर में उसके बिना कैसे करोगे ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए सातवां क्वेश्चन विच अमंग सरफेस टेंशन कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है सरफेस टेंशन से संबंधित इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन बताओ बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या है सरफेस टेंशन से संबंधित कौन सा इसमें से फिनोमिना है देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा मुश्किल है कैपिलरी एक्शन इस क्वेश्चन का आंसर है ठीक है आपने कभी देखा हो जो किसी भी पाइप या वेसल में जब पानी ऊपर की तरफ जाता ना या तो ऐसा होता है या तो ऐसा होता है ठीक है क्यों होता है ऐसा ठीक है सरफेस टेंशन की वजह से और बबल भी ऐसा ही होता है ना इसी वजह से ठीक है ध्यान रखना एक और क्वेश्चन देखिए आठवां क्वेश्चन कमेंट करिए पंचायती राज किससे बिलोंग करेगा कौन सी लिस्ट में आएगा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताइए आंसर क्या कोई कहेगा सर ये तो डिपेंड करता ना कैसा होता है लेकिन होता तो है ना तो वो उसी की वजह से होता है सर्वे टेंशन की वजह से ठीक है आंसर है इसको पंचायती राज स्टेट का भाग है अब कोई कॉन्टेंट क्यों लिख रहा है भाई पंचायती राज रा, राज्य की सरकार है ना उस पर राज्य की सरकार काम करती है ठीक है तो इसका आंसर बड़ा आसान सा है 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 ठीक एक और क्वेश्चन 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 देखिएगा इस कौशन का आंसर थोड़ा टिपिकल है। आ थोड़े ना मैं अजीब क्वेश्चन लाए इसलिए मैं दस दस के सेट में पूछना चाह रहा हूं ठीक है कि थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस सीरीज में बाकी कल मंडे से हमारी जो रेगुलर क्लास है बीच में देखो अगर सैटरडे संडे में कोई नीच हो जाती है मतलब समझ रहे हो ना क्लास ऊपर नीचे हो जाती है जैसे कल साढ़े सात बजे क्लास लगी और आज तो चलो टाइम पे लगी है ना समझ रहे हो अब देखो लोहे को और लकड़ी को धूप में रख दिया सवाल पूछा है लोहा गर्म हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली गर्म हो जाएगा अब किस वजह से गर्म हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या जल्दी से बताइएगा मैं सोचू कुछ बढ़िया खास पूछा होगा ंसर क्या इस क्वेश्चन का थर्मल कंडक्टिविटी है भाई कंडक्ट कर सकता है ठीक है तो इस वजह से गर्म हो जाएगा मैंने कल वो नहीं बताया था कि खाने के लिए जो बर्तन होते हैं उसको जब हम यूज करते हैं वो बेलेक्ट के बनते किस बेकलाइड के बनते क्यों बनते हैं ठीक है वो कंडक्ट ना करे थर्मल कंडक्टिविटी हाथ ना जल जाए है।, है ना चलिए एक और क्वेश्चन देखिए दसवा क्वेश्चन देखिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेजेशन की स्थापना कौन से वर्ष में हुई एक ऑर्गेनाइजेशन दी जिसको कहते हैं गेट ठीक है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरीफ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इसको बदल के ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था अब सवाल बस इतना सही है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई कब अभी मैंने दस में से नो वाला चैलेंज रखा है अभी मैं दस में से नो के बाद दस में से दस का भी चैलेंज रख रहा हूं कमेंट करिए जल्दी से बताएगा एक बात स्पष्ट है भाई जो बातें मानता है ना उसको रिजल्ट भी देखने को मिलता है जो नहीं मानता उसे देखने को भी कुछ नहीं मिलता फिर ठीक है आपको जो इतने सारे सिलेक्शन देखने को मिल रहे हैं अभी तो बहुत हैं दस पंद्रह सिलेक्शन तो अभी आपको इस क्लास के बाद ही शेयर कर दिए जाएंगे कि भाई इन इनका सिलेक्शन हो क्यों क्योंकि बच्चों ने मेहनत करी है मानिए बात आंसर के क्वेश्चन का फाइव एक चैलेंज और पहले इसमें बताओ दस में से नो या फिर नो प्लस नो भी आए हो तो चलेगा दस भी आए तो चलेगा लिखो पास बाकी सारे फेल लिखना बाकी सभी फेल लिखना मेरे ये जो चैलेंजेस होते हैं ना ये इतना कॉन्फिडेंस ला देते हैं कि पेपर में आप 20 में से 19 ला सकते हो 25 में से 24 ला सकते हो अगर कॉन्फिडेंस से फोकस से टेस्ट को डेली करो अभी फेल हो रहे हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा ठीक है बार बार जिस चीज़ में आप फेल हो रहे हो ना आपको एक दिन उसमें जीत जरूर हासिल होगी क्योंकि आप बार बार कोशिश कर रहे हो फेल होने के बाद बस वही कोशिश करते रहो अपने आप होगा अब करते हैं दसवें से दस का चैलेंज कि वह दसवें से दस लाके देखेंगे अब अगर किसी के नो आ गए हैं तो अब दसवें से दस पे फोकस करेगा ठीक है जिसके आठ आए हैं वो नो पे फोकस करेगा कोशिश बढ़ने की चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए परसिस्टेंस ऑफ विजन जो है किस प्रिंसिपल पर वेस्ट होता है बताइए परसिस्टेंस ऑफ विजन जो है ये साइंस का बड़ा बेसिक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर परसिस्टेंस ऑफ विजन जो है किस पे वेस्ट होता है जल्दी से बताइएगा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन परसिस्टेंस मतलब होता है जैसे आप देखते हो ना कि फोकस करना आपकी जो स्क्रीन पे सिनेमा हॉल में जो स्क्रीन आ रही होती है वो पीछे से कुछ चल रहा होता है ऊपर ऊपर में उससे आ रही होती है स्क्रीन दैट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन ठीक है वो बहुत बेसिक उदाहरण है ये नाइन्थ क्लास नहीं थ क्लास एनसीईआरटी में बड़ा बेसिक सा उदाहरण दे रखा है ठीक है चलिए गुरु क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या दूसरा क्वेश्चन अक्षरधाम टेम्पल कहां पर है इस क्वेश्चन का आंसर क्या जल्दी से, से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या सुबह नौ बजे वाले कोर्स में साइंस ज्यादा हो रही है पता ही आपको मैंने यह सारा कंटेंट ना बिल्कुल नया ना कल के मैराथन के लिए बना के लाया था कल मैराथन हो ना पाई 500 क्वेश्चन दे पूरे ठीक है तो मैंने कल थोड़े क्वेश्चन कराए थे रात को साढ़े सात बजे फिर मैंने सुबह नौ बजे कराए थोड़े क्वेश्चन जो बच गए अभी करा रहा हूँ और मेरे ख्याल से अभी भी खत्म नहीं होंगे बिल्कुल नए क्वेश्चन है कल सुबह भी चलेगा नौ बजे और फिर हम कंटिन्यू करेंगे वाइट सीरीज को लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन में से एक है दिल्ली इस क्वेश्चन का आंसर तीसरा क्वेश्चन बताइए विजय सिंह जो है कौन से देश के खिलाड़ी विजय सिंह एक गोल्फ के अच्छे खिलाड़ी हैं ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइए मुझे पता क्या लग रहा है जितना जज्बा सी एच एस एल के बच्चों में था ना सच बता रहा हूँ अपना मेरे इंटरनली फील आ रहा है कि जितना बच्चा सी एच एस एल के बच्चों ने दिखाया था जज्बा दिखाया था सी एच एस एल के बच्चों ने या जी डी के बच्चों ने उतना ना मैं एम टी एस के बच्चों में ना देख नहीं रहा हूँ और जब मैं देख नहीं रहा हूँ ना मैं तुम्हें साफ बता सकता हूँ ये काम खराब है ठीक है बुरा मत मानना मैंने सी एच एस एल में नहीं बोला ऐसा एम टी एस में बोल रहा हूँ बच्चे पता नहीं क्या करे भाई जीएस ही भगवान है आपका एमटीएस के लिए मैं आपको अभी बता रहा हूं या तो जीएस या तो इंग्लिश बाकी तो क्वालिफाइंग है आंसर है इस क्वेश्चन का फीजी इस क्वेश्चन का आंसर है चौथा क्वेश्चन देखिए वृंदावन गार्डन कहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वृंदावन गार्डन कहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है अब जैसे वृंदावन है इस क्वेश्चन का आंसर कौन से फंसने वाला क्वेश्चन है वैसे ही अच्छा खासा फंसने वाला क्वेश्चन है आंसर इस क्वेश्चन का कर्नाटका क्योंकि जब मैं वृंदावन सुनता हूँ मैं यूपी पहुँच जाता हूँ बट एक्चुअली मैं फंसने वाला नहीं हूँ तो इस वजह से मैं कर्नाटका लगा के आऊँगा आंसर अच्छा आप में से कौन कौन देखो बहुत दिक्कतों की बात है जितने भी चैप्टर हैं ना जो भी चैप्टर हैं जैसे नेशनल पार्क हो गया वाटरफॉल्स हो गया ये सब याद नहीं होते बंदा भूलता है आपको अगर मैं दस दस मिनट के वीडियो दू विद चीट कोड एक वीडियो एक चैप्टर विद चीट कोड चीट कोड मतलब आपको याद हो जाएगा तो आप देख पाओगे सारी वीडियोस ए टू जेड एक बार देखोगे खत्म हो जाएगा दस मिनट में एक वीडियो देखोगे दस मिनट में पूरा याद हो जाएगा मैं गारंटी देता हूं मैं ऐसी बातें बताऊंगा दिमाग हिला देंगे आपका लेकिन आपको याद करा देंगे चीट कोड कहते हैं उसे हम ठीक है पब्लिक अगर चीट कोड मांगता तो एक बार यस लिख दो आपके लिए दस दस मिनट के हर एक चैप्टर पे चीट कोड वीडियोस आ जाएंगे आपके बकायदा कल से स्टार्ट हो जाएंगे कल से चीट कोड वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे एक एक करके सारे आ जाएंगे दस दिन के अंदर सारे चीट कोड खत्म कर देंगे मांगता है ना तो बस ध्यान रखना जो मांगता है वो ये जनरलली बोल रहा हूं वो आठ बजे आज करंट अफेयर की क्लास में आके बोल दे सर चीट कोड चाहिए कोई एक वीडियो नहीं छोड़ूंगा जो आपके पास नहीं होगी फ्री ऑफ कॉस्ट ध्यान रखना आज रात को करंट अफेयर की क्लास में जो पहुंच गया बोल गया कि सर हाँ चीट कोड चाहिए हर चैप्टर का उसको मिल जाएगा रात को आठ बजे आज करंट अफेयर के साथ ध्यान रखना बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और जनवल बोल रहे हैं बिल्कुल पांचवा पा क्वेश्चन देखिएगा लार्जेस्ट पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की बताइए लार्जेस्ट पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई इस सवाल का जवाब ना दे पाओ मैं ना अभी ना जीडी के रिजल्ट में ना इस चीज़ को देख के ना बहुत डाउट में हूँ कि यूपी जैसी पॉपुलेशन यूपी जैसी पॉपुलेशन और यूपी जैसी पॉपुलेशन में मेल्स में सिर्फ और सिर्फ चार हजार बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और फीमेल्स में ज़्यादा नहीं मेरे ख्याल से पंद्रह सौ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है टोटल कह सकते हैं साढ़े पांच हजार बच्चों को सिलेक्शन हुआ यूपी जैसी बड़ी स्टेट में जहां पे यूपी कितनी है, है थोड़ा, थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे इस पे आंकड़े मुझे थोड़ा सा डाउट लगा कि भाई ये कैसे हो गया ठीक है बहुत कम सिलेक्शन है ये मेरे ख्याल से यूपी स्टेट से अब इसका पता नहीं क्या है सिस्टम छठा क्वेश्चन देखिएगा आई ने उन्नीस मतलब जो लखनऊ सेशन हुआ था आई का 1916 में उसको किसने प्रिसाइड किया था इस क्वेश्चन का आंसर क्या है चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा जम्मू कश्मीर में ओबीसी का कट ऑफ चालीस गया है <laughs> ठीक है चालीस नंबर लाने एक में से आप पास हो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा आंसर है इस क्वेश्चन का ए सी क्वेश्चन देखिए वर्ल्ड सोयल डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वर्ल्ड सोयल डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है कर्नाटका स्टेट में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ बच्चे फिर भी निकाल रहे हैं वैसे तो चलिए आंसर अच्छा क्या है इस क्वेश्चन का जैसे वर्ल्ड सोयल डे अच्छा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है पांच दिसंबर इस क्वेश्चन का आंसर है एक और क्वेश्चन देखिए आठवां क्वेश्चन वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है डिसेबिलिटी तीन प्रकार की होती है तीन ही आंसर है ठीक है तीन ही आंसर है ना देख पाना ना बोल पाना ना सुन पाना आंसर लगाना ठीक है नौवा क्वेश्चन देखिए गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था मैं अभी दोबारा दस का ही सेट कराऊंगा ठीक है अगर आप दस में से दस इसमें से ले आते हो तो हम कोशिश करेंगे चैलेंज को और डिफिकल्ट बनाने की ठीक है अभी वैसे ठीक ठाक ही चल रहा है बहुत सारे बच्चे पास हो रहे हैं गल्फ कॉर्पोरेशन की स्थापना जो है 1981 में हुई थी ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए दसवा क्वेश्चन कविता जहल कौन से स्पोर्ट से संबंधित कमेंट करिए बताइए आंसर क्या दोबारा अब दस का दम करेंगे ठीक है में से दस ही लाके देखेंगे आज कोशिश कर लो कि कितना दस के करीब पूछते हो है ना कितना दस के करीब पूछते हो ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन दिया इस क्वेश्चन का आंसर कविता चहल जो है बॉक्सिंग से संबंधित पास फेल लिखना दस में से दस कोई लाया तो पास लिखो बाकी सारे फेल लिखो नो आने वाले भी फेल ही लिखेंगे ठीक है आंसर क्या बेटा हर एक एग्जाम के लिए जीएस पूरा कवर हो रहा है अभी जो करंट अफेयर आएगा वो भी हर एक एग्जाम के लिए होगा पूरा कवर होगा करंट अफेयर ठीक है चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का में से दस वाला पास फेल लिखो जल्दी से कोई दिक्कत नहीं है ट्राई योर बेस्ट दोबारा ट्राई करो दस में से दस लाने की कोशिश ठीक है मैं देख रहा चाहता हूँ कौन कितना एक्यूरेसी से काम करता है आज लंबा टेस्ट नहीं करवा रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ एक्यूरेसी देखें आज पहला क्वेश्चन बताइए नेशन जनरल असेंबली की हेडक्वार्टर कहां पे आसान क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अगर मैं बात करूं तो भैया आंसर क्या होगा चलिए तो हेडक्वार्टर कहां पे है इस क्वेश्चन का आंसर न्यूयॉर्क ठीक है आसान यूएसए दूसरा क्वेश्चन कैबिनेट मिशन भारत कौन से वर्ष में है कैबिनेट मिशन के सिद्धांतों के अनुसार ही चीजें हुई थी ठीक है है ना आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताएगा चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई ठीक है चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि भाई ये जो है कैबर मिशन जो, जो है 1946 में आया था एक और क्वेश्चन देखिएगा कमेंट करिए तीसरा क्वेश्चन बताइए व्हाट इज दैबर करेंसी ऑफ अर्मेनिया आर्मानिया की जो कैपिटल करेंसी है वो क्या है बताएं आंसर के इस क्वेश्चन का ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा भाई आईपीएल मैच हो रहे हैं क्या अभी स्टार्ट हो रखेंगे हैं पी मैच बहुत सारे अपडेट्स आ रहे लग रहे हैं आईपीएल मैच आईपीएल का करंट अफेयर है एक कि इस साल का आईपीएल और पूरी अभी तक के जितने सीजन हुए हैं सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा भी का? ये करंट अफेयर है आ सकता है ठीक है आर्मे... आ... आर्मेनिया जो है इसकी क्रेपिडा करेंसी जर्वेन और द्रैम है ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए चौथा क्वेश्चन मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बताइए इस क्वेश्चन का आंसर मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर रात को ग्यारह बजे अभी मैं क्लासेज पता क्यों नहीं करा रहा हूं क्यों यार सारा फोकस तो करेंट अफेयर में लग रहा है उसका कंटेंट बनाने में उसका डिटेल फॉर्म में करेंट अफेयर पढ़ा रहा है ना तो उसमें टाइम लग रहा है इसलिए ग्यारह बजे वाली क्लास नहीं करा रहा है कि एक क्लास करंट अफेयर की चलती रहनी चाहिए ठीक है और क्वाइट पॉसिबल आने वाले एग्जाम्स के लिए रेलवे के एग्जाम्स के लिए एसएससी के एग्जाम्स के लिए मैं सुबह क्लास भी स्टार्ट करूं करंट अफेयर की रेगुलर बेसिस पे भी आंसर है गुरुग्राम एक और क्वेश्चन देखिए पांचवा क्वेश्चन गुवाहाटी हाई कोर्ट का जुडिशरी जो है किस स्टेट्स में मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि सारी ही स्टेट्स हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा है ना आंसर क्या है? गुवाहाटी हाई कोर्ट का जोडिक्शन कौन सी स्टेट में है ठीक है तो भैया नागालैंड में भी है अरुणाचल प्रदेश में भी है, आसाम में भी है छठा क्वेश्चन देखेंगे वेट लिफ्टिंग वेट वेट मतलब उठा देना जब पेट खाली हो भूखा हो बंदा हंगरी तो घर सर पे उठा देना अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हंगरी ठीक है हंगरी इस क्वेश्चन का आंसर हंगरी हो अगर भूख लग रही हो तो सिर घर पे सर, जो है ना सर पे उठा देना पूरा घर सातवा क्वेश्चन सार्क की स्थापना कौन से वर्ष में इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या <coughs> चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का जैसे अब ये है सार्क की स्थापना है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन लाइक like, एशियान की स्थापना सार्क की स्थापना ठीक है जी सेवन कब बना जी एट कब बना जी कब बना ठीक है समझ रहे हो ना <laughs> आंसर क्या है इस क्वेश्चन का 1985 इस क्वेश्चन का आंसर है एक और क्वेश्चन देखिए आठवां क्वेश्चन ठीक है कोशिश करेंगे बताएंगे सोयल वाटर टेंशन इसमें से किससे मेजर किया जाता है क्या लगता है ठीक है आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जैसे भी ये क्वेश्चन है कि भैया सोयल वाटर टेंशन मेजर करना है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है अभी मैं एक और दस का सेट कराऊंगा ठीक है हार्डली थोड़ा सा गैप दूंगा जितने में आप मेरे टेलीग्राम अमन सर वाइफ एसडी ऑफिसर से जुड़ जाएंगे और कंटेंट भी उठा सकेंगे ठीक है चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है चलिए है ना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आंसर है इस क्वेश्चन का कि टेंसियोमीटर मेरे को टेंस से ही समझ आ रहा था कि भैया टेंसियोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए है ना साफ नाम से ही दिखाई दे रहा है कि टेन आंसर होना चाहिए चलिए है ना चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है एक और क्वेश्चन देखिएगा नोमा क्वेश्चन बताइए कुंभकनम टेम्पल जो है कौन सी स्टेट में लोकेटेड वेयर इज कुंभकनम टेम्पल लोकेटेड इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है देखो कम्बकम जो टेम्पल है ये लोकेटेड है तमिलनाडु में पे लोकेटेड है तमिलनाडु में लोकेटेड है ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा आसान ही क्वेश्चन दे दिए दसवां क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है आसान क्वेश्चन आसान है अगर इसमें कोयला भी ऑप्शन में देता ना और पेट्रोल भी ऑप्शन में देता तब डाउट में होता है क्वेश्चन तब वो दिक्कत हो जाती है इस क्वेश्चन में कि भैया क्या आंसर लगाएं कोयला भी दे देता है कभी कभी पेट्रोल भी दे देता बच्चा तब मैं बता रहा हूँ आपको इतना आसान क्वेश्चन हो के ना बंदा फंसता है जब पेट्रोल कोयला लिख दे ऐसे ही पेपर में होता है पेपर इसलिए बेकार खतरनाक हो जाता है जब चीज़ें कंफ्यूजिंग हो ठीक है दस में से दस लाए कोई लिखो पास होगी फेल क्योंकि मैं दोबारा दस में से दस पूछूंगा मैं दस दस करके पूछ रहा हूँ आज थोड़ा सा शॉर्ट टेस्ट रख रहा हूँ ठीक है शॉर्ट टेस्ट रख रहा हूँ कोशिश करते हैं कि कोई एक टेस्ट क्रॉस कर जाए आप दस में से दस का कोई एक टेस्ट क्रॉस कर जाए पास लिखो जो दस में से दस लाए फेल लिखो जो दस में से एक भी नंबर कम लाए दोबारा स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दस में से दस रूबी अन सफारी जो है ना ये ऑक्साइड्स हैं किसकी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये साइंस का ये किसकी ऑक्साइड्स है जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये किसकी ऑक्साइड्स है एल्यूमिनियम की किसकी एल्युमिनियम के ऑक्साइड है बड़े आसान क्वेश्चन में से एक है बार बार आया पेपर में रेलवे में बहुत क्वेश्चन पूछा ये ठीक है चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर रेलवे के बच्चे अभी परेशान है कि भाई कुछ नहीं मिल रहा करने को मतलब टेस्ट का तैयारी करते जाओ मैं बता रहा हूँ रेलवे की बहुत वैकेंसी आएंगी देखो जीडी का इतना बड़ा अनाउंसमेंट एक लाख तीस हजार पोस्ट का अनाउंसमेंट सीआरपीएफ में क्यों किया गया क्योंकि एग्जाम अभी कंडक्ट कराए जाएंगे इलेक्शन है मेरे भाई रेलवे वालों के लिए और कंडक्ट कराएंगे ठीक है ध्यान रखना बहुत एग्जाम आएंगे रेलवे संज्ञा किसने स्टार्ट करी तो आंसर है कपिल मुनि इस क्वेश्चन का आंसर है तीसरा क्वेश्चन देखिएगा ठीक है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय चेंजिंग फ्रिक्शन को कम करना है तो क्या किया जाए ठीक है अब क्या किया जाए बताओ फ्रिक्शन को कम करना चाहो तो क्या करोगे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कोशिश करिए कोशिश चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर स्लाइडिंग टू रोलिंग ठीक है चौथा क्वेश्चन देखिएगा मोस्ट एलिमेंट जो है वो कौन सा है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन जैसे मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा है तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑक्सीजन ठीक है ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का आंसर है पांचवा क्वेश्चन देखिएगा ठीक है चलिए पांच भाई देखो अब तुम नाइट्रोजन लगा रहे हो तुम हो रट्टेबाज एटमोस्फेयर नहीं पूछ रहा है भाई वो एटमोसफेयर नहीं पूछ रहा है अबेंडेंट एलिमेंट पूछ रहा है वो ठीक है यूरोपियन यूनियन का मेंबर कौन सा नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर है कमेंट करो जीएस इतनी आसान लगती है ना इतनी आसान होती नहीं है ठीक है पहला वही समय होता था एक दो साल पहले का समय होता था जब बच्चा ना जो छोटे छोटे एग्जाम तो नहीं कह सकता वर्ड ही गलत होगा आज के समय में पहले था ये वर्ड सही कि भाई जो नॉर्मल एग्जाम होते थे ना कि जिसमें हम कॉन्स्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो बड़ा आसान होता था बच्चों को आसानी से मिल जाती नौकरी कॉम्पिटिशन कम होता था लोग बड़ी नौकरी के लिए तलाश में होते थे आज के समय में एक एम एक एम एस की नौकरी लेने में बड़ा खुश है क्योंकि भैया सरकारी नौकरी है चालीस पचास हज़ार जेब में आते हैं फिक्स आते हैं तो उस वजह से वो कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप ऐसी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको आज के रिजल्ट देखो आप ना उससे समझ आएगा कि आपको कितना कॉम्पिटिशन है तो आप मेहनत करो थोड़ी आप इसी जैसे इस क्वेश्चन का आंसर है ये अब बच्चे क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर यूके लगा रहे हैं भाई यूरो एग्जिस्ट सुना आपने कि यूके ने जो है यूरोप से एग्जिस्ट नहीं किया था एग्जिट नहीं किया था क्यों नहीं किया था यूरोपियन यूनियन का पार्ट करेंसी अलग होने से कुछ नहीं होता ठीक है नॉर्वे चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा छठा क्वेश्चन बताइए मेकिंग इंडिया ओसम awesome किसके द्वारा है? इस क्वेश्चन का आंसर है ठीक है चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा डियर सभी ना सुबह नौ बजे आए वैसे अभी चीट कोड वाली क्लासेस आने वाली है या नौ बजे आप अभी आठ बजे आए अगर आपको कंसेप्ट चाहिए ना किसी होगी सर कंसेप्ट से बढ़ाओ आठ बजे आइंस के बाद आठ बजे क्लास होगी कंसेप्ट से भी पढ़ेंगे फुल कंसेप्ट से पढ़ेंगे आंसर हम इंडिया को ओसम मनाएं चेतन भगत है वैसे चेतन भगत हमें बोल नहीं सकता वैसे इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके मेकिंग इंडिया ओसम ठीक है चलिए सातवा क्वेश्चन देखिए गोती पाव जो है ये ट्रेडिशनल डांस है कौन सी स्टेट का चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा थंबनेल बढ़िया होते हैं चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए जल्दी से बताइए कौन सी सेट का मुश्किल है थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर है उड़ीसा मैं आपको जो थोड़ा सा समय दे रहा हूं आठवां क्वेश्चन देखिएगा आर द ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर यूज इन इंडस्ट्री फॉर रिमूवल विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर्स जो है इसमें से क्या रिमूव करना है ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा रखा है पहले भी ये ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर्स से इसमें से कौन से गैस को या फिर पार्टिकल्स को बेसिकली पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड मोलिक पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं ना एस कहते हैं इसको एस को जो है रिमूव करने के लिए यूज किया था शायद आपको ना आता हो यह क्वेश्चन एस को रिमूव करने के लिए यूज किया था ठीक है नोमा क्वेश्चन देखिएगा एशियान के हेड क्वार्टर्स कहाँ पे बताइए वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ एशियांस है ना आंसर क्या इस क्वेश्चन का चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि एशियन के हेडक्वार्टर जो है ये जकार्ता में कहां पे जकार्ता में एक और क्वेश्चन देखिए दसवा क्वेश्चन दांतीवाड़ा डैम जो है कौन सी स्टेट में इस क्वेश्चन का आंसर होती है वेयर इज दांतीवाड़ा डैम ठीक है तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर है गुजरात देखो अभी जैसे जितने भी बच्चे हैं आप जितने बच्चे देख रहे हो जीडी में इतने सारे सिलेक्शन आ रहे हैं लिस्ट लिस्ट पे लिस्ट आ रही है वो सब बच्चे सिलेक्ट सिलेक्शन लिए हैं सो चैप्टर पढ़े हैं वो पूरे जीएस में पढ़े हैं ठीक है ठीके? बाकी सब्जेक्ट्स का मैं नहीं कहता और मैं सो चैप्टर क्यों कह रहा हूं उसमें दम है देखो आपके सामने पूरी लिस्ट है सो चैप्टर की ये एक ही पीडीएफ में है पूरा जीएस हिस्ट्री वर्ल्ड जियोग्राफी इकोनॉमिक्स साइंस सो टॉपिक का पी है मेरे टेलीग्राम अमन सर वाइफ फे स्टडी ऑफिशियल पे अवेलेबल है ठीक है मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको एम के लिए एस एस सी रेलवे डिफेंस किसी भी एग्ज़ाम के लिए जी एस पढ़नी है तो एक ही चीज़ पढ़ेंगे वो है वो सो चैप्टर की पी डी एफ और वो ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि जितना भी रिजल्ट मैं लेके आ रहा हूं जितना भी आपको रिव्यू ऊपर तक मेरे टेलीग्राम अमन सर वाई फाई स्टडी ऑफिशियल को सर्च करो पूरा सर्च करना अमन सर वाई फे स्टडी ऑफिशियल हर बच्चे ने मेहनत करी देखो कोई बच्चे सोचते हैं कि आप एक ही चीज़ को बार बार बोलते हो अच्छी बात नहीं है मैं कहता हूं अच्छी चीज़ को बार बार ही बोलना चाहिए चाहे वो कईयों को बुरी लगने लग जाए ठीक है क्योंकि मेरे को पता है मैं जो कंटेंट दे रहा हूं उससे रिजल्ट आ रहा है तो मैं तो हर बच्चे को बच्चे का जीवन सुधर रहा भैया सिलेक्शन लेने के बाद जब सिलेक्शन ले लेता है ना पहले बच्चा बोलता है कुछ भी जब सिलेक्शन ले लेता है ना उसके बाद वो बोलता है कि सर आपकी पीडीएफ से सिलेक्शन हुआ पढ़ा हमने उसको अच्छे से ठीक है तो भैया रिजल्ट तक का वेट करो परफॉर्मेंस अच्छी होगी आपकी बस ध्यान रखना सो चैप्टर पढ़ के जाना ये वाले सो चैप्टर जीएस के लिए पढ़ने अनिवार्य है सिलेबस है पूरा पूरी जीएस का सिलेबस है एक एक चैप्टर डाला है हिस्ट्री बोल्टी जियोग्रफी साइंस स्ट्रैटेजी के सब कुछ ए टू जेड टेलीग्राम अमन सर वाई स्टडी ऑफिशियल पूरा सर्च करना ऑफिशियल सर्च कर लेना मतलब सर्च कर लेना तो लास्ट में ऑफिशियल लिख लेना ऊपर ही ग्रुप आ जाएगा ग्रुप में आपको कंटेंट अवेलेबल होगा सो चैप्टर का मौका है अभी दे रहा हूँ 20 मिनट बाद में आपकी आठ बजे की क्लास स्टार्ट करा दूंगा करंट अफेयर मैराथन की दो घंटे का मैराथन है जिसमें हम मैराथन में ना पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा करंट अफेयर कवर करें आठ से लेकर दस बजे के बीच में डिटेल्ड में करंट अफेयर चलेगा ठीक है वो करंट अफेयर पढ़ना उससे पहले आप ये पूरा सो चैप्टर पढ़ लो मतलब यूटिलाइज़ कर लो एक बार देख लो गो थ्रू कर लो ये ज़रूरी है बीस मिनट है आपके पास आठ बजे हम फिर स्टार्ट करेंगे मैं टेलीग्राम पर लिंक भेज दूंगा आठ बजे भेजूंगा मैं एग्जैक्टली तब तक आप देख लें ठीक है चलिए धन्यवाद सेशन को लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं आठ बजे ठीक है करंट अफेयर के साथ लाइव क्लास में दो घंटे एटलीस्ट बढ़िया से करंट अफेयर पढ़ेंगे, तब तक आप सोच चैप्टर देखें ठीक है ओके